गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रोटेशन लेक्चर नंबर 7। अपन पढ़ रहे थे टॉर्क के बारे में, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम है यार, अभी तो स्टार्ट किया है चैप्टर, अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया है। हाँ ठीक है ठीक है, 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं। चलो 5 मिनट्स वेट ही कर लेते, 2-3 मिनट। अभी चैप्टर स्टार्ट किया, अभी टॉर्क है, टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है वेट, टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, फिर एंगुलर मोमेंटम आएगा रोटेशन के केस, फिर काइनेटिक एनर्जी को तो पहले ही पढ़ लिया है, वर्क का एक्सप्रेशन पहले पढ़ा, बट फिर भी अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार वर्क पावर। और फिर उसके बाद आएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। स्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ डिस्कस किया ही नहीं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे निकालना, पार्ट टेस्ट तो इजी। नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, नॉर्मल का मतलब रिएक्शन फोर्स बोल रहे हो ना, रिएक्शन फोर्स एक्सेलरेशन देखकर फाइंड करें। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से आपको आइडिया लगेगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो रिएक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपको कौन फिजिकल क्वांटिटी आइडिया देगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आपको आइडिया देगा। गुड इवनिंग, हमारा पार्ट टेस्ट भी हो गया, अभी तुम्हारा फुल टेस्ट होगा। फुल टेस्ट मतलब मेजर टेस्ट कब है, मई में है मेजर टेस्ट ना, उससे पहले TWT है, इन सब चैप्टर्स। हाँ टाइम है अभी बहुत सारा टाइम, उससे पहले अपना कंप्लीट हो जाए। डराने की बात नहीं, बस चैप्टर देखो, चैप्टर पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चंस देता हूं तब तक। है क्या, अरे थियरी टॉर्क का, टॉर्क की थियरी उतनी ही है, इस पे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस तो ही आएगा चैप्टर, ऐसे नहीं आएगा। ओ 45 है क्या, टॉर्क के क्वेश्चंस बन नहीं रहा है अभी। टॉर्क का कुछ क्वेश्चंस किया है, धीरे धीरे बनेगा। टॉर्क दिया क्या तुमको अभी, लास्ट में 3 क्वेश्चंस कराया था, कुछ तो आइडिया आया ना कैसे रिएक्शन फोर्स लगेगा, कैसे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब का कुछ आइडिया आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। हाँ तो बस सॉल्व करते रहेंगे, आता जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है, है ना। हाँ तो बस सॉल्व करते रहेंगे, आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कौन सा, किसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओ। ओके हाँ तो क्या, हाँ राइट राइट स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग। ओके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा क्या, वैसा बोल, ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ पे
रॉड है। ओके ये रॉड, थिन रॉड, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे यही है सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा यहाँ पे, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है एक्स, इसका मास एम है, लेंथ एल, रेस्ट में है ये। ये क्या है अभी, ये रेस्ट में। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ तो फिर लास्ट टाइम का क्वेश्चन तो सॉल्व किया था ना यार, लास्ट टाइम का तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है डिटरमाइन द मार्क, डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या आ रहा है। ये रेस्ट में, अगर ये रोटेट करता भी तो ये बताओ यहां पे अगर ये रोटेट करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा यहाँ, इस पॉइंट के, इसके अबाउट रोटेट। ये ऐसा रख दिया मान लो इस टाइप से, यहां पे ऐसा रख दिया ऐसा, तो ये इसके अबाउट ऐसा हो, यहाँ पे रखा ना ऐसा, तो ये इसी के बोट है ऐसा होंगे, तो अगर रोटेट भी करेगा तो इसके बोट, तो बेसिकली टॉर्क फाइंड किसके अबाउट करना पड़ेगा अपने को, इसको ओ पॉइंट मान लो, तो इस ओ के अबाउट टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, है ना। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आई एल्फा, वहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा किसके टर्म्स में आएगा, एक्स के टर्म्स में आएगा, अगर एल्फा एक्स के टर्म्स में आ रहा है और एल्फा को मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, एक बार जीरो करेंगे तो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, उसी एक्स की वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहले आप ये फाइंड कीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना, जब ग्राउंड से हाइट बहुत ज्यादा होगी या डेप्थ ज्यादा होगा, देन इन दैट केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। यस ये सब पढ़ेंगे अपन, जी वे उसको बोलते हैं वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चैप्टर अपना जो होगा, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे अपन वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ लिया तो देखेंगे ना कितना पढ़ा, वो तो समझ में आ जाएगा ना। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे, किसके अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो, चेक कर लेते एक बार, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या होएगा, तो टॉर्क होता है क्या आर, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एम जी। ओके ठीक है सॉल्व कर। अरे किसी ने मुझे ये बोला था
कि सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, कोलिजन की बात कर रहा हूं, ये सॉल्व करो, ऐसा होता है हाफ एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, एक दिन सॉल्व भी कर रहे थे अपन डाउट लेक्चर में, याद है, वन माइनस ई स्क्वायर इंटू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर, ये आता है, सॉल्व करके आता है ये, है ना। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू वन माइनस ई स्क्वायर इंटू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर। ये जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, तीन चार पे जाएगा बट आ जाएगा, एक्सप्रेशन आता है ये, तो अगर लर्न कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो टॉर्क अबाउट हो तो इसका जो एम जी होगा ये यहां पे एक्ट करेगा। अब देखो ये पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में, तो ये नॉर्मल भी लगा रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, बट लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी छोड़ दूं। ये देखो ये एम जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ये क्या है, ये मास एम है तो ये एम जी आ जाएगा। यहाँ पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा बट पता है इस नॉर्मल का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा, इस नॉर्मल का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट वो कितना आ जाएगा, तो x इंटू एम जी। अरे ये नॉर्मल उसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, समझो फिर से समझो टॉर्क को, क्या है टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है और फोर्स इसी से पास होगा, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका अगर मान लो यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, तो ये आर भी फाइंड करोगे तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री ना यार, जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, नहीं तो साइड में लिख लो, ये भी लिखाना पड़ेगा क्या मुझे, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ है तो मैं ऐसा लिख देता हूं आर एफ साइन थीटा, इफ आर इज पैरेलल टू एफ देन थीटा वुड बी जीरो एंड टॉर्क इट बी जीरो, ऐसा। हाँ ठीक है कोई नहीं, अब नोट कर, इसको भी कर लो साइड में, एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 डिग्री होगा, इस केस में भी टॉर्क की वैल्यू जीरो। तो अगर खुद से सोचो ना, यहाँ अगर नॉर्मल भी लगेगा तो नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में है बट ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो आएगा, सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, एम जी का आएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, किसका टॉर्क आना है किसका टॉर्क नहीं आना है, तो टॉर्क यहाँ पे एम जी का आएगा, टॉर्क कितना आएगा, एक्स इंटू एम जी आर क्रॉस एफ, और एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्ट आर इंटू एफ, और टॉर्क होगा क्या, आई एल्फा इक्वल्स टू एम जी एक्स, एम जी एक्स। आई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कौन सा एक्सिस है, यहां से एक्सिस पास हो रहा है, ये वाला एक्सिस इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यहां से भी एक एक्सिस है जो इसके और इसके पैरेलल है, तो आई को आप क्या लिखेंगे, आई सी एम प्लस एक मिनट रुको, एम एक्स स्क्वायर, है ना, एम एक्स स्क्वायर इंटू एल्फा इक्वल्स टू एम जी एक्स हो जाएगा। तो यहां से एल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है एम जी एक्स बाय आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो एल्फा क्या आ गया आपका, एम जी एक्स बाय ये कितना होएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एम कॉमन ले लीजिए तो एम वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एल्फा आएगा आपका जी एक्स बाय एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया एल्फा, यही है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो फॉर एल्फा मैक्स क्या आ जाएगा, डी एल्फा बाय डी एक्स बी जीरो, फॉर एल्फा मैक्स डी एल्फा बाय डी एक्स बी जीरो हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, जीरो करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, नोट कर लीजिए इसको। एल कौन सा एल, ये वाला, हाँ नॉर्मल मैक्सिमा और मिनिमा, ये एल नहीं है आई है, आई एल्फा, टॉर्क क्या होता है आई एल्फा ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके वोट चाहिए आपको, इसके वोट रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, यहाँ पे होगा, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है तो इसके वोट फाइंड करना है, तो आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो आई को क्या लिख दिया, आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर इंटू एल्फा इक्वल्स टू दिस।
अब ICM सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है एक्सेस, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mx स्क्वायर, तो यहां से अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं जीरो करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आएगी, नोट कर लीजिए इतना पहले आप, देखो इसको इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर, तो यहां से d बाय डी एक्स अल्फा की वैल्यू क्या है, जी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये u बाय v का फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, u बाय v का फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, फिर ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 12 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, फिर माइनस इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, इस वाले टर्म को इस साइड लाइए तो जीरो हो जाएगा, है ना, इस टर्म को इस साइड लाइए तो जीरो हो जाएगा, ये कितना आ रहा है आपका एल स्क्वायर जी बाई 12 प्लस जी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 2gx स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या आ रहा है एल स्क्वायर जी बाई 12, ये इस साइड आएगा तो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जी से जी को कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है एल बाय 2√3, x की वैल्यू कितनी आई l बाय 2√3, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, एंड अल्फा मैक्स कितना आ जाएगा, तो अल्फा मैक्स क्या है gx बाय l स्क्वायर बाय 12 प्लस x स्क्वायर है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो g l बाय 2√3 अपॉन l स्क्वायर बाय 12 प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, तो ये जाएगा gl बाय 2√3 और ये आपका 2l स्क्वायर बाय 12 मतलब l स्क्वायर बाय 6, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3g बाय √3l, तो आंसर √3g बाय l, ये अल्फा मैक्स हो गया, नोट कर लीजिए। एक मिनट, ओके डन, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी क्या, अरे एक्स क्या है लेंथ है ना, एक्स क्या है यहाँ पे लेंथ है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर बाय 12 है, इसीलिए एक्स को अपन प्लस माइनस एल बाय 2√3 नहीं लिख रहे, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे एक्स लेंथ है ना, हाँ, बट मैथमेटिक्स से देखेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस l बाय 2√3 आएगा, बट x लेंथ है इसीलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। कहाँ पे नेगेटिव साइन, अरे इसको u मान लिया इसको v मान लिया, तो ये तो बताया है डिफरेंशिएट करने के लिए u बाय v, तो v स्क्वायर इंटू v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx, अरे क्या फाइंड करना था ये बताओ, x की जो वैल्यू आई है l बाय 2√3 इसी पे अल्फा मैक्सिमम है ना यार,
तो उसमें जो आपका अल्फा है इसी में पुट कर दिया एक्स की वैल्यू, नोट कर लो। एक्स क्या है, लेंथ है, इसीलिए यहां पे प्लस आएगा ना, इसलिए प्लस। ये बताओ, कभी ऐसा बताया है कि कभी अगर एक्सप्रेशन दिख जाए, एक्स की एक वैल्यू दिखे, एक्स की कोई एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू कुछ भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी वैल्यू पे वो मैक्सिमा हो जाएगा, या क्वेश्चन में मिनिमा पूछता तो इसी वैल्यू पे मिनिमा हो जाता। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो, एक्स की वैल्यू पुट करो, आपको वहां पे लेस देन जीरो आएगा, जरूरत ही नहीं है करने का। सेकेंड डेरिवेटिव कब आता, जब टू डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज आती ना, एक्स लेंथ है, इस चीज को समझो, एक्स क्या है, लेंथ है। जब एक्स की दो पॉजिटिव वैल्यू आती ना, तब चेक करते कि किस पे मैक्सिमा होगा किस पे मिनिमा होगा। एक ही पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पे चेक ही नहीं करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड ही नहीं करना है। अब तक ये सब चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए ना मैक्सिमा मिनिमा और एक ही वैल्यू आ रही है, हाँ अगर नेगेटिव वैल्यू, देखो इस केस में एक्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होती ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस आया है, तब मैं अभी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करता और दोनों पे पुट करके चेक करता। आई बात समझ में? बट एक वैल्यू है, अरे अल्फा पता है ना, अल्फा अभी फाइंड किया था, अल्फा ऐसा कुछ आ रहा था, आया था अल्फा ऐसा। जब अल्फा ये है तो अल्फा मैक्सिमम किस पे हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू एल बाई टू रूट थ्री है। जब एक्स की वैल्यू कितनी है, एल बाई टू रूट थ्री, तो एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया एल बाई टू रूट थ्री। तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अल्फा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ, अ यूनिफॉर्म रॉड, लैडर बोल दो या रॉड कुछ भी, ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। What is the minimum value of, what is the minimum value of mu? Minimum, what is the minimum value of mu for which it will not slip? ये रोड ऐसा है, रॉड एक्स,
ये 5 मीटर है, यहां से ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है, और यहां से ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 मीटर होगा। यहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहां का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, दोनों जगह पे जो है ये रफ सरफेस, तो यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच इट विल नॉट स्लिप, ये स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी कैसी है, ये इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी है, स्लिप नहीं करेगा। और ये कैसी बॉडी है, तो ये रिजिड है, मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रॉड, ये लैडर जो है ये किस में है, ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में है ये लैडर। तो जब लैडर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, नेट टॉर्क इसका क्या होगा, जीरो होगा। चार ये बात समझ में, ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। अरे ऐसा है, ये ऐसा है, लैडर है ऐसा, ऐसा रखा है, ये ऐसा रखा। अभी क्या होगा, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, इसकी टेंडेंसी ऐसे मोशन की, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाए, मतलब इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है और इस पॉइंट की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है। बट यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा तो इसको मूव नहीं करने देगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देगा। और ये रॉड कैसा है, रिजिड है, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये किस में रहेगा, म्यू की वैल्यू 1/3। इसका मतलब ये क्वेश्चन तुमने कहीं पे मतलब टाइप किया है, कुछ किया है और आंसर आया है। म्यू की कितनी वैल्यू आती है, कैसे फाइंड किया ये बताओ, नहीं म्यू की कितनी वैल्यू आई ये बताओ पहले, म्यू की कितनी वैल्यू आई, क्यूबिक इक्वेशन आया या लीनियर, क्यूबिक आया या लीनियर, क्वाड्रेटिक आ गया, अब तो सही है लग रहा है। देखो यहां तो यहां पे अगर एफबीडी आप बनाओगे, एफबीडी कैसा होगा इसका, इज्जत हमको, मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है, अभी पता नहीं। देखो यहाँ ये रॉड है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, ठीक है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। एक मिनट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये बताओ इस पे नॉर्मल कैसा लगेगा, तो ये इसका कॉमन टेंजेंट ये है, कॉमन टेंजेंट ये है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। और यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ये है, तो इस पे नॉर्मल ऐसा लगेगा N2। इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है, तो इस पे फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा F, ये हो जाएगा F। यहाँ पे इसका वेट आएगा W। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, x डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाएगा, x डायरेक्शन का फोर्स ये है और ये है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 के इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 1। एंड इस डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F2 plus N1 equals to W हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, F2 क्या होगा, म्यू N2 plus N1 equals to W, म्यू N2 plus N1 equals to W। तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू N2 को आप क्या बोल सकते हैं, F1 plus N1 equals to W, कहां से आया, from one, from one, तो ये यहां से value क्या आ जाएगी, mu, F1 क्या आ जाएगा, mu N1 plus N1 equals to W, तो यहां से एक equation क्या आ रहा है, mu square N1 plus N1
इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन किसका आएगा, तो टॉर्क का इक्वेशन आएगा, फोर्स का इक्वेशन लिख दिया है, टॉर्क का इक्वेशन आएगा। तो ये भी पॉइंट रेस्ट में, ये भी पॉइंट रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड कर लीजिए, है ना। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये इक्विलिब्रियम में मतलब नेट नेट टॉर्क जीरो होगा, तो किसी के अबाउट, इसी के अबाउट फाइंड कर लीजिए इसको, ए बी, ए बी मान लीजिए, तो इसके अबाउट टॉर्क फाइंड कर लीजिए, टॉर्क अबाउट ए उसको जीरो कर दीजिए, फिर वहां से थर्ड इक्वेशन आएगा, फिर एक बार सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करो आगे बताओ कितना आंसर आ, टॉर्क का यूज हुआ ना, जीरो करेंगे टॉर्क को, अभी अभी टॉर्क को क्या करेंगे, जीरो, तो टॉर्क जीरो करेंगे तो उसे इक्वेशन आएगा। नहीं नहीं कहीं पे देखो, काइनेटिक नहीं लिया, आपको क्या बताया था, इफ म्यू इज नॉट गिवन, म्यू अगर गिवन नहीं है तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू एस प्लस म्यू एस इक्वल्स टू म्यू क्यू हो जाता है, होता है ना ये। अब यहां पे क्या है, ये वाली वैल्यू क्या, देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो ये एक लिमिटिंग केस हो गया, ये वाली जो चीज हो जाती है, ये बाउंड्री कंडीशन आ जाता है, जब बाउंड्री कंडीशन आ जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की कंसिडर करते हैं, तो यहां से जो म्यू आएगा वो मिनिमम आएगा, यहां से जो म्यू आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। अगर ये मिनिमम या मैक्सिमम नहीं लिखा होता ना, ये वाला मिनिमम नहीं लिखा होता ना, तब डायरेक्ट म्यू एन नहीं ले पाते अपन, तब यहाँ पे म्यू एन की वैल्यू नहीं लिख पाते, ये म्यू एन नहीं लिख पाते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है। समझो क्या है, ये एक वॉल है, ये वर्टिकल है, बता रहा हूं, ये वॉल वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक लैडर है, तो अभी इस, ये जो एंड है इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, ये बात आ रही है समझ में, किसी को ऐसा भी लग रहा है कि इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की क्यों है, अरे ये ऐसा है तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, और इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है। अब देखो, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है और ये रॉड लैडर कैसा है, रिजिड है, तो रिजिड बॉडी आ गया, तो रिजिड बॉडी का ये इक्विलिब्रियम है ना यार, रिजिड बॉडी का ये इक्विलिब्रियम है, तो रिजिड बॉडी का ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क जीरो होगा। क्लास नोट्स देखिए आप, लास्ट लेक्चर का या उससे पहले वाले का, बताया है आपको ये पॉइंट डिस्कस किया है ना, कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क जीरो होगा, इसके लिए एफ नेट जीरो आएगा एंड, अच्छा अच्छा आपको ये भी बताया टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कंसिडर करते हैं, तो ऑलवेज क्या परपेंडिकुलर, जीरो लाना है जीरो, तो जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को अलग लिख दीजिए, वाई डायरेक्शन के फोर्स को अलग लिख दीजिए, इक्वेट कर दीजिए एक्स को एक्स से, वाई को वाई से। अब टॉर्क बताया है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं, तो टॉर्क क्या, टॉर्क जो है उस पॉइंट के अबाउट फाइंड कीजिए जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं है, हर पॉइंट रेस्ट में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हैं आप, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के अबाउट फाइंड कर सकते हैं, तो मैं इसी के अबाउट फाइंड कर लूंगा टॉर्क, तो इसके अबाउट फाइंड करने से क्या होगा, इसका और इसका, इन दोनों का जो टॉर्क आएगा ना ये जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है और ये फोर्स भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। कुछ आई बात समझ में, इतना नोट कर लो पहले, थ्री बाय नहीं, आंसर तो वन बाय थ्री है, क्या कर रहा था उस टाइम से मैं, क्या नहीं समझ में आया,
ये बताओ, ये बात समझ में आई कि कहीं पे अगर ये पढ़ा था पहले ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में अगर ये इक्विलिब्रियम आता था तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होता था, सिग्मा एफ की वैल्यू जीरो होती थी, ये बताओ पहले। तो ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लैडर वुड बी जीरो। तो नेट फोर्स को जीरो करते थे उसको कैसे जीरो करते थे, नेट फोर्स जीरो का मतलब सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो और सिग्मा एफ जेड जीरो होता था। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है इस लैडर पे, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड, और ये कॉमन टेंजेंट है तो नॉर्मल इस पे इस साइड, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ये है तो ये नॉर्मल इस पे इस साइड। तो जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे शो कर दिया अपन ने, एफबीडी बना दिया इसका। तो एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, ये प्लस तो ये माइनस, तो एफ वन माइनस एन टू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब F1 equals to N2, तो F1 की value N2 के equal होगी। Y direction में force क्या है? This plus this equals to this, तो F2 plus N1 equals to W, F2 को क्या लिख सकते हैं? Mu N2 plus N1 equals to W, Mu N2 को क्या लिख सकते हैं equation 1 से? F1, F1 plus N1 plus W, ये कहां से आया? 1 से, और F1 की value Mu N1, तो यहां से क्या equation आएगा? mu square n1 plus n1 plus w equals to w, equation 1, note कर लीजिए। assume कर लिया, कुछ तो मास होगा ना, कुछ तो मास होगा, मास अगर नहीं होगा ladder का तो इन दोनों force को कौन balance कर रहा होगा, क्योंकि ये तो दोनों upward direction में है, ये और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं इसका वेट जो है वो बैलेंस कर, नहीं काइनेमेटिक्स से सॉल्व नहीं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है फोर्स लगाना पड़ेगा और ये रिजिड है टॉर्क भी लगाना पड़ेगा। अब टॉर्क का इक्वेशन देख लेते हैं, टॉर्क का क्या इक्वेशन आएगा उसको भी एक बार समझ। ये फोर्स F1 है और ये N1, ये फोर्स F2 है और ये N2 है और ये W है, इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। तो देखो इसका और इसका टॉर्क जीरो, पहले परपेंडिकुलर बना लीजिए आप, तो टॉर्क अबाउट ए ये तो जीरो आ रहा है, तो टॉर्क अबाउट ए इसका टॉर्क, इसका टॉर्क जीरो है, इसका टॉर्क देख लो F2 का, तो F2 को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डिस्टेंस इस फोर्स पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं, सेम लाइन के अलोंग, यहाँ पे सेम लाइन के अलोंग शिफ्ट कर सकते, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे आया तो ये वाला आर हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, ये सब बताया है आपको। तो देखो आर ये है, एफ ये है, थोड़ा सा आपको आर वाले पार्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा तब ये एंगल बनेगा, तो ये आर है और ये एफ है, ये आर क्रॉस एफ किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा ये फोर्स इसको, एंटी क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस थ्री है, 3 meter, और ये वाला डिस्टेंस 4 meter है, तो ये F को जब आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए R 3 होगा, तो 3F2। अब ये N है, N को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बट ये इसका हेड होगा तो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका ये वाला डिस्टेंस 4 और ये N2 प्लस 4N2, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एक और फोर्स है W, W को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो W यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो है इस पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है 5/2,
और ये एंगल कितना, ये 4 है 3 है तो 53 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है mg है, ये w है, ये 5/2 मीटर है और ये 53 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा ये आ जाएगा 5/2 साइन 53, तो ये जाएगा 5/2 इंटू 4/5 कॉस 53, सॉरी साइन नहीं कॉस 53, तो 3/5, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये r हो गया इसका, हाँ कॉस है, ये r हो गया और ये f, तो r ये ऐसा है थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा f, ये एंगल फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ऐसा w के टुवर्ड्स कर्ल करो, तो ये क्या आ रहा है क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, तो नेगेटिव होगा इसका टॉर्क, कितना होगा माइनस परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली लिखेंगे 3/2 इनटू w इक्वल्स टू 0। ये टॉर्क आया इक्वेशन आपको समझ में या नहीं आया ये बताओ पहले, ये आना चाहिए, ये नहीं आया है फिर से बताऊंगा, एंगल का टेंशन ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर बना लो, देखो यार यहाँ टॉर्क किसका आता है, सब एक 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 पॉइंट आप समझिए, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उससे पहले वाले लेक्चर, टॉर्क आएगा किसका, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है ऐसा और मुझे इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या ये फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो R इसका ऐसा होगा, तो यहां पे R और F पैरेलल है, तो R और F पैरेलल है मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क अबाउट हो क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे तो F इस पॉइंट से पास ही हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट F1 और नॉर्मल N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, देखो अलग अलग टॉर्क फाइंड करता हूं मैं, हर का अलग फाइंड करता हूं, समझो यार, मुझे इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, पहले मैं इस एफ का टॉर्क फाइंड कर लेता हूं, एफ टू का टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन, या तो आर आप इसी को मान लीजिए, तो आर ये होगा तो हेड इसका यहां पर आएगा, तो एंगल तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, आर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा एंगल, तो या तो आप ये एंगल फाइंड कर लीजिए, ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो या तो आप एंगल फाइंड कर लीजिए, बट मुझे एंगल फाइंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं हमेशा R और F को परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, यही R है, ये R की वैल्यू 5 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये R हो गया और ये F हो गया, ये इसके बीच का एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, तो टॉर्क ऑफ F2 कितना आएगा अबाउट पॉइंट A, इस पॉइंट के अबाउट, तो कितना आएगा R cross F, RF sin theta, तो 5 into F2 into sin 37 degree, तो ये कितना आएगा 5F2 into sin 37 is 3/5, 5/5 जाएगा, कितना आएगा 3F2, इसी को मैं डायरेक्ट कर रहा था, कैसे इस F को इस पॉइंट से जो R होगा उसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, तो यहां पे दिख रहा है कि ये F को अगर आप यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इस F2 को, तो ये इसका आर हो जाएगा और ये 3 मीटर है, ये इसका आर हो जाएगा, तो इस ये तो एंगल है नहीं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल होगा, तो बेसिकली ये आर वाला जो है ये हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ 90 डिग्री है, आर क्रॉस एफ ये किस डायरेक्शन में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी देखो आर और एफ किस डायरेक्शन में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया मतलब आउटवर्ड्स आ रहा है, तो हम किस डायरेक्शन में आ रहा है आउटवर्ड्स, बट ये किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ पे टॉर्क ऑफ F2 अबाउट पॉइंट O, ये 3 इंटू F2 90 डिग्री पे डायरेक्ट 3F2 एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी ले सकते हो, ये बात इतना समझ में आया, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क फाइंड कर सकते, किसी के पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे फाइनल एक्सप्रेशन वैसा ही आएगा, ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले, टॉर्क
इस फोर्स का फाइंड करने के लिए समझा, इसी तरीका से W का टॉर्क फाइंड करो। अब तो इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड कर ले तो ये W है। अपने पास दो ऑप्शन है, एक ये R है और ये W है, तो ये एंगल तो होगा नहीं क्योंकि ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा, तो डायरेक्टली F बाई आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो 5/2 इंटू डब्ल्यू इंटू ये वाला आ जाएगा, ये कितना है 53, तो ये 37, तो ये 180 माइनस 37 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसका टॉर्क ऐसा, टॉर्क ऑफ W अबाउट पॉइंट A, आप डायरेक्ट लिख सकते थे क्या 5/2 इंटू डब्ल्यू इंटू साइन 180 माइनस 37, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 इंटू डब्ल्यू इंटू साइन 37, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है 5/2 इंटू डब्ल्यू इंटू 3/5, 5 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 3W/2, वही आया है 3W भी आएगा। तो ये इसका रेडियस कितना आ गया, ये वाला डिस्टेंस 3/2 इंटू डब्ल्यू आ गया डायरेक्ट, तो 3/2 इंटू डब्ल्यू। अब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये आर ये है और ये एंगल है, आर ऐसा डब्ल्यू ऐसा, ऐसा रखा आर पे, फर्स्ट वेक्टर आर है, सेकेंड वेक्टर फोर्स होता है, कॉल किया तो ये किस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, थंब किस डायरेक्शन में जा रहा इनवर्ड्स, यहाँ पे किस डायरेक्शन में रहा आउटवर्ड्स, तो अगर मैं आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा इनवर्ड्स नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है -3/2W। बात आ रही है समझ में? उसी टाइप से नॉर्मल का फाइंड करेंगे, नॉर्मल को थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट आर ऐसा है नॉर्मल ऐसा है तो ये एंगल नहीं है, तो शिफ्ट करके एंगल बना लीजिए, पहले शिफ्ट करोगे तो ये एंगल बन जाएगा, ये आपका फोर है तो इसी को फोर मान लेंगे, तो 4n2 तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, 4n2 आएगा 90 डिग्री पे, तो 4n2, बट डायरेक्शन क्या होगा, ये आर है और ये एफ है, तो आर ऐसा एफ के टूवर्ड्स कॉल किया, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम किस डायरेक्शन में आ रहा आउटवर्ड्स, इसको पॉजिटिव लिया है इसलिए +4n2। और कोई फोर्स नहीं है जिसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जीरो हो जा रहा है, सिर्फ इसका टॉर्क और इसका टॉर्क आएगा, तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगा, इसी को मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। हर इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट, सबको नोट करो, समझो क्या है? नोट कर लो, तो कितना भी फोर्स लगे ना तो टॉर्क आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लीजिए, आर और एफ को परपेंडिकुलर बना दीजिए, तो डायरेक्टली आंसर वहां से आएगा। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, तो राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करना है। डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड होगा। किसी भी पॉइंट के वर्ड सॉल्व कर सकते, किसी भी पॉइंट के वर्ड पहले सॉल्व करने दो एक बार, फिर अपन किसी पॉइंट के वर्ड लेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है? दूसरे पॉइंट के वर्ड भी लेके सॉल्व कर लेते एक बार इसको सॉल्व करने दो।
डन। तो यहां से इक्वेशन क्या आ रहा है, तो फ्रॉम टू से क्या आ रहा है, 3F2 प्लस 4N2 माइनस 3/2W इक्वल्स टू जीरो। तो 3F2 को क्या लिखेंगे, म्यू N2 प्लस 4N1 को आप क्या लिख सकते हैं, ये N2 है, मुझे फर्स्ट वाला इक्वेशन N1 के टर्म्स में आया है, N2 को मैं लिख देता हूँ F1, है ना, माइनस 3/2। W को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, ये म्यू स्क्वायर N1 प्लस N1 इक्वल्स टू जीरो, कहां से आया, फ्रॉम 1। तो ये आ जाएगा 3 म्यू N2 कितना हो जाएगा, N2 है F1 प्लस 4 F1, F1 हो जाएगा म्यू N1, ये आ जाएगा 3/2 म्यू स्क्वायर N1 प्लस माइनस 3/2 N1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा 3 म्यू N1 प्लस 4 म्यू N1 माइनस 3/2 म्यू स्क्वायर N1 माइनस 3/2 N1 इक्वल्स टू जीरो। देखो N1 हर जगह पे, N1 कैंसिल। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2 लो, ये कितना जाएगा, 6 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 3 म्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। इसको इस साइड ले जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3 म्यू स्क्वायर प्लस 9 म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा 3 म्यू कॉमन, तो म्यू प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी म्यू प्लस 3 इंटू 3 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू माइनस 3 और 3 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो म्यू इक्वल्स टू 1/3। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपना आंसर किया जाए, ठीक है, नोट कर लो। अब किसी और पॉइंट के बाद टॉर्क लेके बताता हूं, देखो सेम आएगा, किसी और पॉइंट के बाद टॉर्क लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम।
डन। देखो यार ये ऐसा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था इसको थोड़ा सा ऐसा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है N1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है N2, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। मैं ये फोर है और ये थ्री है, इस पॉइंट के अबाउट ले लेता हूँ, बी के अबाउट, टॉर्क अबाउट बी जीरो होगा, इसके अबाउट इसका और इसका टॉर्क जीरो हो गया, किसका टॉर्क आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते, शिफ्ट करेंगे तो ये और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये फोर है और ये एफ वन है, तो फोर एफ वन, डायरेक्शन क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आ रहा है समझ में, एंटी क्लॉकवाइज, एक डब्ल्यू भी आएगा, हाँ है ना, फोर एफ वन हो जाएगा, ये ऐसा है, थोड़ा सा आर को शिफ्ट करना पड़ेगा, आर ऐसा एफ ऐसा, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पे और ये वाला डिस्टेंस थ्री है, तो डायरेक्ट पहले थ्री एन वन, तो डायरेक्शन कैसा आएगा, ये ऐसा है, आर ऐसा और एफ ऐसा, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस फोर एन वन, और एम जी का थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, थ्री बाई टू, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, थ्री बाई टू, ये वाला डिस्टेंस भी थ्री बाई टू होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये भी आ रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा माइनस प्लस थ्री बाई टू, डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये बात आई समझ में, नोट कर लीजिए इसको, यही पे मैं W की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, अभी देखते क्या होता है। तो एक किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो जो उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो खुद से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या वापस समझाऊं, देखो यार यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रॉड ऐसा है, इस पे फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इस पे नॉर्मल कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इस पे नॉर्मल कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और इस पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F, और इस पे Mg ऐसा लग W, ठीक है, किसके अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, B के अबाउट, तो B के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो, टॉर्क अबाउट पॉइंट B, टोटल तो टॉर्क जीरो है ही, बट इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जीरो आएगा, किसका आएगा टॉर्क, इसका, इसका और इसका आएगा, इसका टॉर्क फाइंड करना है तो इस फोर्स को इस बी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, तो थोड़ा सा आपको फोर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, तो ऐसा एंगल बनेगा, अभी ये वाला एंगल बनेगा, तो ये आर है और ये एफ है, ये वाला डिस्टेंस फोर है और ये एफ वन है, तो फोर एफ वन आएगा, डायरेक्शन देख लो, ये इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट करो तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, फोर एफ वन हो जाएगा, इसका देख लो, इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर दो, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा और ये फोर्स हो, ये एन वन हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस थ्री है तो ये थ्री हो जाएगा और ये वाला एंगल बन जाएगा। अब यहां से देखिए, ये ऐसा रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस थ्री एन वन हो जाएगा। अब इसका टॉर्क फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा, तो अभी ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 बाई 2, तो ये डिस्टेंस भी कितना होएगा, 3 बाई 2 है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आर है और इसका एम जी ऐसा है, तो एक इसका टेल है और इसका हेड है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, आर ऐसा आ जाएगा और एफ ऐसा है, तो आर ऐसा एफ ऐसा, किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव हो जाएगा,
तो प्लस 3 बाई टू डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। अरे कुछ बात आ रही है समझ में, ये आ रहा है टॉर्क फाइंड करने के लिए। फोर ये क्या हो जाएगा, म्यू एन वन माइनस थ्री एन वन प्लस थ्री बाई टू। इक्वेशन वन से ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो म्यू एन वन स्क्वायर प्लस एन एन वन इक्वल्स टू जीरो कहां से आया, फ्रॉम वन। तो अभी क्या आ जाएगा, फोर म्यू एन वन माइनस थ्री एन वन प्लस थ्री म्यू एन वन स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एन वन इक्वल्स टू जीरो। यहां से एन वन एन वन एन वन एन वन कैंसिल, एन वन स्क्वायर नहीं म्यू स्क्वायर एन वन, ये म्यू स्क्वायर एन वन, एन वन स्क्वायर नहीं, एन वन कैंसिल। तो यहां से आएगा फोर म्यू माइनस थ्री प्लस थ्री बाई टू म्यू स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम ले लीजिए, टू आ जाएगा तो ये एट म्यू माइनस सिक्स प्लस थ्री म्यू स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसको इस साइड लाइए जीरो, कितना आया थ्री म्यू स्क्वायर प्लस एट म्यू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। सेम इक्वेशन आया ना यार, थ्री म्यू स्क्वायर प्लस नाइन म्यू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से थ्री म्यू कॉमन, म्यू प्लस थ्री माइनस वन इंटू म्यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा म्यू प्लस थ्री इंटू थ्री म्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से म्यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो म्यू इक्वल्स टू माइनस थ्री और थ्री म्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहां से म्यू की वैल्यू वन बाई थ्री। किसी भी पॉइंट के वर्ड फाइंड करेंगे आंसर ये नोट कर लीजिए। तो टॉर्क कैसे फाइंड करना है ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए अब आई थिंक।
देखो यस, अब अपन पढ़ेंगे एटवुड मशीन, पहले भी पढ़ा ये, या यहां पे इसको बोलेंगे रोटेशनल पुली, पुली ब्लॉक सिस्टम। देखो पहले क्या होता था उसको समझो, पहले ऐसा क्वेश्चन होता था अपना, यहां पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ऐसा होता था। ये अगर ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता था तो ये भी ए से जाता था, और इसमें टेंशन मान लीजिए यहाँ पे टी है, ये टी होता था, ये भी टी होता था। इस केस में क्या होता था, पुली, ये ट्रांसलेशनल मोशन है पढ़ा, पुली इज मासलेस, मासलेस स्मूथ एंड स्टेशनरी, एंड स्टेशनरी। पुली रोटेट करता था क्या, नहीं करता, पुली फिक्स्ड होता था ऐसा। और इस पे स्ट्रिंग जो है वो स्लिप होता था, पुली यहां पे फिक्स है, ये वाली पार्ट ये ऐसा आता था, ये ऊपर जाता था, ये फिक्स है, ये रोटेट नहीं करता था पहले। एंड स्ट्रिंग जो होता था, स्ट्रिंग स्लिप्स ओवर द पुली, ऐसा होता था, ये फिक्स्ड होता था, मूव नहीं करता था, ये पहला केस होता था। अभी क्या है, अभी ये रोटेट कर रहा है, अभी क्या है, अभी ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए कि ये ऐसा रोटेट कर रहा है अल्फा से, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसा रोटेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अभी भी दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। बट इसमें टेंशन अगर टी वन है, इसमें टेंशन अगर टी वन है तो इसमें टेंशन डिफरेंट होगा। मासलेस स्ट्रिंग है, अभी भी स्ट्रिंग मासलेस है बट टेंशन डिफरेंट होगा। अब बोलोगे सर टेंशन डिफरेंट कैसे आ गया, अभी देख लो एफबीटी देख लो, ये ऐसा है, यहां पे सपोर्ट पे कोई फोर्स लग रहा होगा, ये कोई फोर्स या इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट जीरो ही हो जाएगा, सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क, सेंटर पे बना दो ये पॉइंट। हाँ पुली का भी मास, पुली का भी मास है कुछ एम मान लेते ना, अभी पुली का भी मास, तो देखो इसके वोट इस यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा टी डैश मान लीजिए वो तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टी वन है और इसको टी टू मान रहे हैं अपन, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा, और इसका रेडियस आर है, ठीक है आर मान लीजिए, तो इस पॉइंट के वोट इसको ओ मान लीजिए, ओ पॉइंट के वोट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज अल्फा है तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो इसका जब टॉर्क फाइंड करेंगे इसका टॉर्क कितना आएगा, यहीं पे समझ लेना, बार बार ये ड्रॉ नहीं करना, ये आर है और ये टी वन है, आर यहाँ पे हेड है और टी वन का टेल है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, हाँ थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आर, और देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में अल्फा है उसी डायरेक्शन में ये टॉर्क इसको रोटेट करा रहा है, तो इसका जो टॉर्क आएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे आर टी वन, 90 डिग्री पे आर टी वन। इसका टॉर्क देखेंगे तो ये टी टू है, आर ये होगा, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आर ऐसा है टी ऐसा, आर क्रॉस एफ किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एल्फा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, एल्फा की डायरेक्शन में होगा टॉर्क पॉजिटिव, अल्फा की ओपोजिट डायरेक्शन में होगा टॉर्क नेगेटिव। सेम ये कैसा केस है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होता था वो होता था पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता था वो होता था नेगेटिव। वैसे ही अल्फा की डायरेक्शन में टॉर्क होगा पॉजिटिव,
अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क होगा नेगेटिव माइनस आर टी टू। अब ये बताओ अगर ये टी वन और टी टू सेम होगा Am I audible to you all ना? सिर्फ उसको नहीं जा रहा है कि या सबको प्रॉब्लम हो रहा है? ऑडिबल ना, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो यहां से देखिए हो जाएगा बट ट्राई बोलो करने के लिए उसको, यहां समझ लो एक बार। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या हो जाएगा? नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार आप है ना फिर से लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, होता है कभी कभी। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या हो जाएगा? आर टी वन। नहीं तो क्या करो, ये ऐसे यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो कट करो, फिर ऐसा करो, आ जाएगा, होता है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या हो जाएगा? आर टी वन माइनस आर। अब मुझे ये बताओ अगर ये टी वन और टी टू सेम हो जाएगा, इस टी वन और इस टी टू की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो होगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा, बट क्वेश्चन में गिवन है कि रोटेट कर रहा है, अल्फा नॉन जीरो है, रोटेट कर रहा है तो अल्फा तो नॉन जीरो है, एक्सेल है ना, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब इसमें और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। टेंशन क्या होगा? डिफरेंट। ये बात आई समझ में? तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इफ द पुलिस If the pulley is not massless and is sufficiently rough, then tension on a string पासिंग ओवर इट, टॉर्क जीरो होगा तो ये रोटेट नहीं करेगा ना फिर, अरे ये रोटेट ही नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तब टेंशन की वैल्यू सेम होगी, टॉर्क जीरो का मतलब रोटेट ही नहीं करेगा, अल्फा कुछ होगा ही नहीं, ओमेगा हो सकता है बट ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, है ना, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। देखो क्या, देन टेंशन ऑन ए स्ट्रिंग passing over it on its both sides will be different. Yes, will be different. In this case, a string does not slip over the pulley. यहां पे स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही, but the pulley rotates. यहां पे पुली रोटेट कर रहा है, उसके रोटेट करने की वजह से स्ट्रिंग जो है इस साइड आ रहा है और ये इस साइड जा रहा है, तो उसका भी कुछ कंडीशन होता है, उसका एक अलग से आगे पढ़ेंगे अपन, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन, उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां पे वो थोड़ी सी चीज ये बताऊंगा कि जो स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली की मीनिंग क्या है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले।
नहीं होगा तो ये स्लिप कर जाएगा, नहीं होगा ना तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप कर जाएगा। स्लिप नहीं होने के लिए फ्रिक्शन का होना कंपलसरी, स्लिप नहीं होने के लिए फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है ना। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा ना तो ये स्लिप हो जाएगा स्ट्रिंग, तो उसका अलग कंडीशन आ जाता है। स्टैटिक नहीं, स्लिप होना डिफरेंट है, बताता हूं समझो, उसको आगे एक बार डिस्कस करेंगे, आगे आएगा वो यार। उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या स्लिपिंग या प्योर रोलिंग भी बोलते हैं उसको। आएगा क्या? सब आएगा, एक मिनट देख लेते हैं ना क्या होना है नहीं होना है, सब आने वाला है। हाँ मास सेम होगा तो खुद से सोचो ना, मास सेम है तो क्या होए? मास सेम होने का मतलब ये थोड़ी है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे अभी, ऐसा थोड़ी कुछ भी बोल के निकल जाएंगे अपन, समझ में आ जाएगा, खुद से आ जाएगा समझ। नोट कर लो, नोट कर लिया इसको। F if the string does not slip
ओवर द पुली देन क्या होएगा, ये समझो, ये ऐसा है, एटवुड मशीन है, ये आगे तो नहीं जा रहा है ना, ये यहीं पे रोटेट कर रहा है ये वाली चीज। तो अगर ये बताओ ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना ये, ये अल्फा, इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर अल्फा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर अल्फा आ रहा है इसका मतलब ये जो रोटेट कर रहा होगा और स्ट्रिंग इस पे रख दो तो ये रोटेट कर रहा है तो इसी के रोटेशन की वजह से स्ट्रिंग आ रही है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस साइड कितने से आ रही होगी, अल्फा आर से, और ये वाली स्ट्रिंग इस साइड कितने से जा रही होगी, अल्फा आर से। ये बात आई समझ में, इसको ऐसे समझो ये जो स्लिप वाला क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, उसकी क्या मीनिंग है, जैसे ऐसे मान लो ये अगर ये ऐसा है, ये ऐसा जा रहा है, तो देखो ये रोटेट कर रहा है और आगे जा रहा है, सिर्फ रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है, लेकिन ये रोटेट कर रहा था और ये ऐसा स्लिप हो गया, या रोटेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में स्लिप हो गया, स्लिप होने का मतलब क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, यहां पे वैसा नहीं हो, यहां पे क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है और इसी के रोटेशन की वजह से स्ट्रिंग जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग होगा उसका एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा, क्योंकि इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अल्फा आर है, इसका इफेक्ट हो रहा है, आ रहा है, इसी के रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है यहाँ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा आर हो जाएगी, मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में अल्फा आर से जाएगा और ये वाला ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में अल्फा आर से जाएगा। वैसे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसको रोलिंग मोशन बोलते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट ये वाली चीज यहां समझ में आनी चाहिए कि अगर स्लिप नहीं हो रहा है उसकी क्या मीनिंग है, पुली पे क्या मीनिंग, क्लियर है। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखो ये ऐसा है, मास m1, इसका मास m2, और ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन आई, ये रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेशन की वजह से, ये जब ऐसा रोटेट करेगा तो इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या इस पॉइंट का, ये ऐसा रोटेट करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना इक्वल्स टू अल्फा आर, इसका भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा आर, इसका भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा आर, होगा या नहीं होगा। तो अगर ये स्ट्रिंग सिर्फ इस पे रखी हुई है और ये जो रोटेट कर रहा है उसी की वजह से स्ट्रिंग मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट, ये जो स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से आ रही होगी, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आर, मतलब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा आर, ये ब्लॉक कितने से जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा आर से एक्सेलरेट कर रहा हो। बात आई समझ, तो अब ये मास m2 है और ये मास m1 है, ये मान लेते हैं सपोज ये इस डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, पता नहीं है अल्फा, अपने को पता नहीं है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कौन, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है क्या है आई, तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड the linear acceleration of, find the linear acceleration of block, इन दोनों का linear acceleration ही होगा, इसका आएगा angular, find the linear acceleration of blocks and angular acceleration of pulley, angular acceleration of pulley, इसका moment of inertia आई दिया हुआ, radius r मान लीजिए, radius कितना है r, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसको मैं सॉल्व करूंगा, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चीज को समझिए कि पूछा क्या जा रहा है, सॉल्व तो करना ही है बट कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ ये जो मूव कर रहा है ब्लॉक और ये जो मूव कर रहा है ब्लॉक, ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ए से,
तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब ये बताइए इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का ये कैसा मोशन, M1 और M2 का मोशन कैसा है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो M1 और M2 का मोशन कैसा है ये बताओ पहले, तब आंसर आएगा। एक्सेलरेटेड मोशन है बट ये, हाँ सुनो सुनो पहले, ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन है, 1D तो है ही, ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मोशन और इसका मोशन कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन। और ये क्या कर रहा है? ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है। तो M1 और M2, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मोशन कैसा है। M1 और M2 का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन ऑफ M1 एंड M2, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ पुली। इस पुली का जो मोशन है वो कैसा है? रोटेशनल, प्योर रोटेशनल। ये भी प्योर ट्रांसलेशनल है, ये प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशन। तो अब ये बताइए कि ट्रांसलेशनल मोशन में किसका इक्वेशन लिखेंगे आप? ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का इक्वेशन, इसका मतलब है इसके लिए और इसके लिए किसका इक्वेशन आएगा? फोर्स का इक्वेशन आएगा। और प्योर रोटेशनल मोशन में किसका इक्वेशन आएगा? तो टॉर्क का इक्वेशन आएगा। तो इस पुली के लिए टॉर्क का इक्वेशन आएगा और इन दोनों ब्लॉक के लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा, इन दोनों ब्लॉक के लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अपन, एफबीडी बना लो, एफबीडी ऑफ एम वन। यहां पे टेंशन टी वन मान लिया और ये इस डायरेक्शन में ए से जा रहा है और ये M1G है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इनटू A, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। इतना नोट कर लो पहले। इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर लेना, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली, देयर इज नो स्लिपिंग, इसका मतलब ये दिया होगा। नोट कर लीजिए इसको। डन, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखो FBD बना लेते हैं, FBD ऑफ M2, है ना? M2 का FBD कैसा आएगा?
डिस्टर्ब मत करो यार, ठीक है। पेज नंबर 9 एफबीडी ऑफ एम टू, तो एम टू का एफबीडी कैसा होएगा, ये एम टू है, ये एम टू जी है, और यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगा, टी टू हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का इक्वेशन आएगा इसका, फोर्स का एम टू जी माइनस टी टू इक्वल्स टू एम टू ए, इक्वेशन टू हो गया। एफ बी डी ऑफ पुली, एफ बी डी ऑफ पुली, पुली का एफ बी डी कैसा होगा, पुली ऐसा है, यहाँ पे टेंशन टी वन है, यहाँ पे टेंशन टी टू है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसा अल्फा से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा टी डैश, इसका तो कुछ एक्सेलर मतलब इसका तो टॉर्क आएगा ही नहीं, पॉइंट ओ के वोट है ना, तो यहाँ से आर है, तो टॉर्क वोट पॉइंट ओ, ये हो जाएगा आर इन टू टी, ये किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, आर टी टू माइनस आर टी वन, टॉर्क क्या होगा आई एल्फा इक्वल्स टू आर टी टू माइनस आर टी वन, तो आई एल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, एल्फा क्या हो जाएगा ए बाय आर, आर टी टू माइनस आर टी वन, ब्रैकेट में सिंस ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एल्फा आर, नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एल्फा आर, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर हो गया ये, तो इस आर को इस साइड लाइए, तो आई ए बाय ये आर इस साइड आएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन थ्री। अब टी वन टी टू को रिप्लेस कर देते हैं, T1 और T2 को एलिमिनेट कर दो इस इक्वेशन से, है ना, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो आई ए बाय आर स्क्वायर, T2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, T2 आ जाएगा आपका कितना M2G माइनस M2A, T1 कितना आएगा, ये हो जाएगा T1 माइनस MG, तो ये हो जाएगा MA1 M1A प्लस M1G, कुछ ऐसा आएगा, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ रही है, ए वाले टर्म को इस साइड, ये प्लस हो जाएगा एम टू ए, ये भी प्लस आ जाएगा एम वन ए, ये वाली वैल्यू हो जाएगी एम टू जी माइनस एम वन जी, तो यहां से ए कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस आई बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन इन टू जी, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई आपको, ए इक्वल्स टू एम टू जी, एम टू माइनस एम वन इन टू जी बाय M1 plus M2, पहले इतना होता था है ना, M2 minus M1 into G by M1 plus M2, इतना होता था when pulley, जब pulley क्या होता था, when pulley was at rest, तब ऐसा होता था, but अभी एक extra term आ जाएगा, rotate कर रहा है, तो I by R square आ जाएगा, ये भी mass ही होता है, I by R square, ये translational inertia है, और ये rotational inertia, note कर लीजिए, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए बाय आर, ए बाय ठीक है, नोट कर लो इस, ये भी तुम्हारी बात सही है, नोट कर लीजिए, मेन ये है कि अभी ये होता है ना यार कि एक मिनट रुको, वो भी कर लेते हैं अपन, देखो जिसका मूड पढ़ने का नहीं होना वो लीव कर जाओ या फिर म्यूट कर दो, कुछ कर दो, बट फालतू का डिस्टर्ब करना कहाँ का सही है यार, ठीक है नोट कर लीजिए। एक मिनट रुको यार, ये कौन है, उसको रिमूव करना यार, कोई भी डिस्टर्ब करे तो, इस टाइम पे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई।
नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, यहीं से स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दूंगा, बस एक क्वेश्चन और है। ये लास्ट, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब क्या है इसमें, ए आ गया है तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू ए बाय आर। नहीं जरूरी नहीं है, बट अब सॉल्व करने के लिए समझ लो, रिजल्ट अगर याद है तो सही है। कहां पे आर टी वन कैसे आया? अरे ये आर, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो इसके लिए यहां से टॉर्क फाइंड करोगे तो आर थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आर हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ ऐसा आ जाएगा अपवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस आया आर टी वन। डन ना, नोट कर लिया इसको। तो यहां से अगर मुझे अल्फा फाइंड करना होता तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती, ए बाय आर, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन करेंगे बस। नहीं, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये पुली कैसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी, बताता हूँ क्या है। ये 5 kg है ना, और इस साइड जो है ये, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये 4 kg, इसका रेडियस 1 meter है और इसका रेडियस 2 meter है। ऐसा कर दो यहाँ पे इसके वॉट फिक्स टाइप से, ये कैसा है वो समझ लो। ऐसे पुली को बोलते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है इस पूरे पुली का, ये दिया हुआ है 4 kg meter। देखो ये पुली कैसी है, ऐसा समझ, ये ऐसा है, एक पुली है, डेस्क है ये, और एक दूसरा डेस्क है ऐसा है, इस साइड से, इसमें भी स्ट्रिंग को रैप किया है और इसमें भी स्ट्रिंग को रैप। इसको कैसे बताऊं, कुछ आ रहा, जैसे ये है ना, ऐसा ये पुली है, मान लो ये पुली है, ये वाला 2 सेंटीमीटर
2 मीटर रेडियस है ना, और उसके ऊपर भी एक ये जो पुली दिख रही है ये वाली जिसका रेडियस 1 मीटर है वो कुछ ऐसा बाहर होगा, ये ऐसा है, ये मान लीजिए ये बाहर है, ये बाहर है, इसके मिड से जा रहा है, हाँ डिफरेंट है ना, तो ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, कुछ बात आ रही है समझ में क्या? तो ऐसे पुली को बोलते हैं, ये ऐसा, रुको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ आइडिया आ रहा है क्या थोड़ा बहुत कैसी पुली होगी? ये इस टाइप का है, इस पे भी स्ट्रिंग को रैप किया और इस पे भी स्ट्रिंग को रैप, यस हाँ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, इसका मतलब दोनों का अल्फा सेम, दोनों का अल्फा क्या है, सेम ना? तो ये 5 केजी या 4 केजी, तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा अल्फास, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा अल्फास, इसका जो, तो ऐसे पुली को क्या बोलते हैं, स्टेप पुली, ठीक है, ये 1 मीटर रेडियस, ये 2 मीटर, ये पॉइंट O मान लीजिए, फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, एक मिनट, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑफ द पुली सिस्टम, अल्फा फाइंड करना, ये देखो पुली का मतलब क्या है, डिस्क, पुली का मतलब तो यही है ना, ये जो पुली है इसका मतलब डिस्क, तो ऐसा रहा होगा डिस्क, इस टाइप से रहा होगा ये वाला पुली, ठीक है, ये वाली पुली, ये नहीं है, मान लो अभी ये ऐसा है, इस पे स्ट्रिंग रहा होगा, ऐसा रैप की कर दिया होगा स्ट्रिंग, और अभी दूसरी पुली क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, हाँ वही है, बोथ आर एट्रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इच अदर, इसीलिए तो अल्फा लिखा है ना, ये अल्फा से जाएगा तो ये भी अल्फा से जाएगा, कुछ बात आ रही है समझ में, ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे रोटेट तो करेगा ना यार, तो अब यहाँ पे भी रैप कर दिया है स्ट्रिंग को और दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पे रैप कर दिया है इस वाले पार्ट, तो जब ये रोटेट होगा, देखो ऐसे ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो ये जो होगा ये वाला, ये अनरैप होगा, अनवाइंड, बट ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये रैप, ये ऐसा जा रहा है, रोटेट कर रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आपको क्या बताना है, अल्फा बताना है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली सिस्टम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे पुली सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली सिस्टम इज 4 केजी मीटर, सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये दोनों का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल, फोर्स का इक्वेशन आएगा, इसका मोशन कैसा होगा, रोटेशनल, बट अभी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं, डिफरेंट हो, बट दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी, दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी, ब्रैकेट में लिख लेना, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, वैसे इस वाले पोर्शन को, ये स्लिपिंग नो स्लिपिंग वाला जो कंडीशन आ रहा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे, ये ऐसा आएगा ना, खुद से सोचो ना, ये अगर ऐसा रोटेट कर रहा था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट दोनों का रोटेशन तो सेम होगा, अल्फा से ही होगा, ये सिस्टम है, ऐसे समझिए, ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट अल्फा और ये डिफरेंट अल्फा से रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये, इसका मतलब ये जो है और ये जो है ये फिक्स्ड है, ये जो है इसमें फिक्स्ड है, ये जैसा रोटेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा, ऐसे यहां पे लिया और इसको फिक्स कर दिया, अब ये जैसा रोटेट कर रहा है, ये जैसा रोटेट कर रहा है, वैसे ये भी रोटेट करेगा, ऐसा जाएगा, रोटेट करेगा, ये मान लो ये ऐसा है, इसको फिक्स कर दिया, इस पे
तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा वो, है ना। तो अल्फा दोनों का सेम होगा, बट इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है, इसका रेडियस डिफरेंट है, तो इसके लिए और इसके लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन। तुम ये मत समझ लेना कि ये अलग से रोटेट कर रहा है, ये दोनों एक ही साथ रोटेट कर रहा है, ये वाली चीज इसमें फिक्स्ड। FBD क्या होएगा? FBD ऑफ 5 kg। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो है नहीं है। टेंशन डिफरेंट होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा इनटू 2 हो जाएगा, अल्फा r होगा तो r की जगह पे 2 आएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा इनटू 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और मैच करा लीजिए, देख लेते हैं। ये 5 kg है, 50 न्यूटन आएगा, टेंशन T1 मान लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में आएगा A1 से। A1 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इनटू R, R की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 अल्फा हो जाएगा इसका A1। तो इक्वेशन क्या आएगा? 50 माइनस T1 इक्वल्स टू 5 A1। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, 50 माइनस T1 इक्वल्स टू 5 इनटू 2 अल्फा। तो यहां से इक्वेशन आएगा 5 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 अल्फा, इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ 4 kg का एफबीडी जो आएगा, यहां पे टेंशन T2, ये 4 kg है, 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा A2 से। A2 की वैल्यू अल्फा इनटू 1, तो अल्फा हो जाएगी। तो T2 माइनस 40 इक्वल्स टू 4 इनटू A2, तो T2 माइनस 40 इक्वल्स टू 4 अल्फा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ये सिस्टम का है, एफबीडी ऑफ पुली, यहां पे टेंशन T2 है और यहां पे टेंशन T1 है, ये वाला 2 है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो टॉर्क अबाउट 0.2 कितना हो जाएगा? तो 2T1। और ये जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो इसका रेडियस 1 है, तो 1 इंटू टी टू। टॉर्क होता क्या है? आई अल्फा इक्वल्स टू 2T1 माइनस T2। आई की वैल्यू 4 है, तो 4 अल्फा इक्वल्स टू 2T1 माइनस T2, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जब आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अल्फा आएगा आपको 60/28, मतलब 15/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। Bye bye. Good night. Take care. Next lecture में कुछ homework में मिलेगा, ठीक है? Good night, yeah.
पेज नंबर फोर, एक पेज नंबर फोर, एक मिनट रुक जाओ यार, नोट करने दो पहले। देखिए पेज नंबर फोर ये है, पेज नंबर फोर, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ या यहाँ देख लो, एक मिनट, डन। ये लास्ट पेज, बाय बाय, टेक केयर।